हमारा जो दिमाग है ना, इट वर्क्स इन वेरी वेरी मिस्टीरियस वे. बहुत सी बातों में ना हमारा जो दिमाग है, आवर ब्रेन इज आवर बिगेस्ट एनिमी. और मेरा जो दिमाग है ना, आई थिंक दैट वो ना बहाने बनाने का ना एक्सपर्ट है. मैं हमेशा से ऐसा नहीं था. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ऐसा हूँ. यानी द थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज लुक एट दिस. यू सी दिस? मतलब ऐसा टाइम हो गया है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो में मेरे को कमेंट लिखने वाला है. मुझे पता भाई, बधाई हो. एंड यू नो, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी की उपज है. ये सारे के सारी जो डेवलपमेंट है ये अभी हुई है. ये कई सालों से हो रही है. और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आई हैव बिकम सच एन एक्सपर्ट इन लाइंग. अपने आप को झूठ बोल बोल के मैं इतना एक्सपर्ट बन चुका हूँ झूठ बोलने में. और मैंने बहुत बार कोशिश किया, आई हैव जॉइंड जिम्स, बट एवरी टाइम आई लाई टू माई सेल्फ. एवरी टाइम आई टेल माई सेल्फ, इस जिम में ये प्रॉब्लम है, इस ट्रेनर में ये दिक्कत है, यहाँ पे सर्कल बढ़िया नहीं है. सर्कल हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. मेरे पड़ोसी चल पड़े ना, वो ठीक हो जाएंगे. जब पड़ोसी चल पड़ते हैं तो ये वाला फ्रेंड इस दिन जाना चाहता है, मैं उस दिन नहीं जाना चाहता. वो उस दिन चल पड़े ना, बस अब जिम नहीं जाना, अब खुद से कुछ करना है. रनिंग करनी है, जिम सेटअप करना है. एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग इन द समर्स. एंड देन आई एम लाइक, यार गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, 3 दिन हफ्ते में कर लिया ना बस बहुत है यार. मतलब अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इतना कर लिया बहुत ज़्यादा है. आई हैव बीन लाइंग टू माई सेल्फ फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ इन द शेप इट इज़ राइट नाउ. एंड यू नो द बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट फेलियर, जो एक्सक्यूज़ेस हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी. यानी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कोई देख तो रहा नहीं है मेरे को. यार नहीं भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है यार. तो यही वजह है अपने YouTube चैनल के ऊपर ये बात करने की कि आई एम ट्राइंग वंस अगेन. एंड आई नो द चांसेस ऑफ सक्सीडिंग आर वेरी वेरी लो अपनी हिस्ट्री को देखते हुए. आई नो मेरा जो ब्रेन है वो फिर एक्सक्यूजेस बनाएगा कि यार आज तो बहुत ठंड है, जनवरी का महीना चल रहा है, -10 है आज, स्नो हो रही है, आइस पड़ी है, लेट्स नॉट डू इट. बट I don't want to listen to my mind anymore. I'm sick and tired of it. और मैं अपने चैनल पे ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि you can hold me accountable. You can point out, Ravish bhai, you promised you will run every day. And I'm giving myself a challenge to run for next 30 days, no matter what is the condition. No matter whether this is -10 or -20 or -30 or whatever. -100. I'm going to go and run. Today is January 1, 2021. Time is 3:37 PM. I'm challenging myself on my YouTube channel ki main agle 30 din tak lagatar run karunga. I don't know how many kilometers. Jo maine summers mein try kiya tha, mere ko practice nahi hai bilkul. I could only run for like 3 kilometers, which was a lot for me. तो आई डोंट नो मैं कितना रन कर पाऊंगा, बट माई टारगेट इज़ आई एटलीस्ट रन फॉर 3 kilometers एवरी डे. और जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मेरे को आदत हो जाएगी, आई विल इंक्रीज दैट. आई एम प्लानिंग ऑन रिकॉर्डिंग एवरी थिंग. हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करूं पर पोस्ट ना करूं वीडियो, पर अगर मैंने किसी एक दिन उसको पोस्ट नहीं किया तो अगले दिन में मैं पिछले दिन की रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, सो दैट यू नो वट इज़ गोइंग ऑन एंड यू कैन कीप मी अकाउंटेबल. ऑनेस्टली 3 दिन पहले कुछ उठाते हुए आई हर्ट माई बैक. और ऑलरेडी जब मैं सोच रहा हूँ कि आई स्टार्ट माई रनिंग टुडे, इमीडिएटली मेरे दिमाग ने बहाने बनाने क्रिएट कर दिए कि यार बैक में हर्ट हो रहा है, अभी थोड़े दिन रुक जाता हूँ यार, फिर स्टार्ट कर लूँगा. बट आई एम वेरी वेरी श्योर इफ आई स्टॉप नाउ देर विल बी समथिंग एल्स एंटायरली समथिंग न्यू इन 2 or 3 days. सो द व्लॉग इज स्टार्टिंग इन रियल सेंस नाउ. Hey Siri, record my outdoor run.
1 kilometer done. Heart rate right now 170 beats per minute. टांगों में दर्द हो रही है और सांस भी चढ़ रही है. किलोमीटर हो गए. आई थिंक आई एम गोना हेड बैक होम नाउ. माई बॉडी इज नॉट यूज टू एक्सरसाइजिंग एट ऑल. ओके टाइम टू हेड बैक. जस्ट केम बैक टू गेट द कैमरा. पूरे रास्ते में कैमरा लाने ले जाने में 1 किलोमीटर तो इसी में ऐड हो गया होगा. द गुड थिंग इज कि मैंने नए वाले हेडफोन पहने हुए हैं. अभी मैंने लिए सोनी XM4. रियली रियली गुड नॉइस कैंसलिंग. मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा आसपास गाड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही. मैंने एक ऑडिबल पे ई बुक लगाई हुई है. जस्ट लिसनिंग टू दैट वाइल रनिंग. Can't wait for long. Have to run. इससे ज़्यादा भागा नहीं जा रहा. 1.82 किलोमीटर्स. अभी घर यहाँ से 1 किलोमीटर है लगभग. Have to run back. इतनी ठंड में भी प्यास लगनी शुरू हो गई है. मुझे लग रहा था शायद थोड़ा ठंड में भागना आसान होगा, गर्मी में पसीना ज़्यादा आ जाता है. बट इट्स नॉट ईजी. ठंड में भी आ रहा पसीना और वही हाल है जैसा गर्मियों में होता था. अंदर पूरा पसीना भी आ गया और भागा नहीं जा रहा. बट आई कैन नॉट स्टॉप. आई हैव टू रन 3 किलोमीटर्स. आई डोंट नो, आज पहला दिन है तो मेरे को अपने आप को इससे ज़्यादा पुश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर आप में से कोई रनिंग करता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या मेरे को डे वन पे पुश करना चाहिए था 3 किलोमीटर से ऊपर. टांगों ने पूरी तरह जवाब दे दिया यार. खासकर जो ये शिन वाला एरिया ना, दिस एरिया, इधर और इधर यहाँ दर्द होने लग गई है. अब आदत नहीं है बिल्कुल भी. कुछ भी करके 3 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं आज. दिस हाफ किलोमीटर शुड बी टोटली नॉन स्टॉप. नो स्टॉपिंग एट ऑल. I think it's enough for today. 2.93 kilometers. पेट में भी दर्द होने शुरू हो गई है. सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रही है. 160 के आसपास हार्ट रेट चल रहा है. I think I'm just gonna end it here. 2.9. I want to show you a picture. Ye dekho picture. Look at this picture. Do you recognize is bande ko? One day maybe I just want to look like that guy once again.
This is Ajay Jadeja, by the way. Ajay Jadeja, that's me. That's Ajay Jadeja. देखो. That is so unfair. What? That is so unfair. What? क्यों? Because kids are getting this puri. No, मेरे को रोटी भी दे रही है मम्मा. मम्मा बोल रही है कि you started running today, you are not gonna get a puri. ऐसा है. That is so unfair. घर में बन रही है तो why will I not get it? It's an exam. It's your pariksha. ये वो क्या बोलते हैं एक तो दे दे यार अब यूं तो मत कर जस्ट गिव मी वन अब मैं रन करके आया हूँ जस्ट गिव मी वन दिस इज एन एग्जाम ऑफ योर सेल्फ कंट्रोल तो अगर ये पढ़िए आई डोंट लाइक दिस एवोकाडो मैंने मैंने कोई प्रॉमिस बट मैंने कोई भी प्रॉमिस ये नहीं किया कि मैं पूरी नहीं खाऊंगा आई सेड आई विल रन एवरी डे आई नेवर सेड मैं पूरी नहीं खाऊंगा यही तो बहाने होते हैं यही तो एक्सक्यूज है जो माइंड ढूंढता है ये भगवान ने इतनी समझदार बीवियां क्यों बनाई हैं यार